खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील मुख्यालय पर 50 साल पुरानी बिजली की लाइन के आए दिन तार टूटने से बिजली गुल होने के साथ हादसे का भय भी बना हुआ रहता है। इसी के चलते हनुमान मंदिर चौराहे पर मेन सड़क से गुजर रहे बिजली के तार अचानक टूट गए, जो तारों के नीचे से गुजर रहे बाइक सवार पर आ गिरे। युवक घबराहट में बाइक छोड़ भागा और हादसे का शिकार होते बाल बाल बचा। ताबड़तोड़ बिजली विभाग में सूचना कर बिजली सप्लाई बंद कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी अंतिम राठौड़ मुकेश सेन ने बताया कि जर्जर तार और जर्जर खंभे से तार टूटकर नीचे गिर गया। पास ही पान की दुकान भी थी, बड़ी जनहानि होते होते बची। बाइक चालक सकाराम निवासी बामनपुरी ने बताया कि सुबह हवा भरवाने साइकिल दुकान पर आया, जिससे उसके ऊपर गुजर रहे तार के टूटकर गिर जाने से वह घबराकर भागा। उसके पैर में चोट भी लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास बिजली के खंभे वर्षों पुराने होकर जर्जर हो गए, साथ ही बिजली के तार भी पुराने होकर झूलते रहते हैं। ऐसे में कोई भारी वाहन सड़क से गुजरता है तो बिजली के तारों के नीचे होने से सावधानी से वाहन को निकालना पड़ता है। विद्युत कर्मचारियों को तार और खंभा बदलने के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हवा भराना था तो पर ऊपर से आयर गिरा, स्टार टूटे, ऊपर स्टार टूटे थे, कभी छोड़ के गाड़ी छोड़ के भागा। तुमको चोट आई? चोट आई। कहाँ जा रहा था गाड़ी लेने? यहाँ आया था हवा भरवाने। कहाँ लगी चोट? ये पाए में। कब से घटना? अभी 5 मिनट पहले। कहाँ नाम है तुम्हारा? सकाराम। कहाँ रहो? टायर जो वायर टूटा है उसकी शिकायत की थी आपने? हाँ, राकेश जी सेल ने की थी 8-10 वर्ष पहले। किस संबंध में शिकायत की थी? ये खंबा क्या ऊपर से थोड़ा जर्जर हो रहा है, ये क्लियर दिख रहा है और बहुत सारे लाइनमैनों को अवगत भी करवाया है, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। और आज अचानक मैं तुलसी में पानी डाल रहा था तो वायर गिर गया, वो इधर का टूट गया और उधर का वो अटका हुआ है। विद्युत कर्मचारी क्या बोले? विद्युत कर्मचारी से मैंने बोला था, पर उन्होंने बोला कि हो जाएगा। तो आज ये घटना हो गई? हाँ, ये घटना हो गई। दो मोटरसाइकिल के ऊपर गिर गए, ये हमारे साइड में भी खड़े हैं। कब की थी शिकायत आपने? या 7-8 रोज हो गए हैं करीबन। सुधार नहीं किया? नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मुकेश जी सिंह, खंडवा।